तो हेलो रोडर्स, हाउ गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, हम आपके लिए आज बहुत बढ़िया बढ़िया बाइकें लेके आए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया है एक बाइक का। तो वो बाइक कौन होगी, तो चलो मैं बताता हूँ। तो भाई वो बाइक ये है, इसका भाई बनारस में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने इंतज़ार किया है एक्चुअली, और गाड़ी भाई बहुत लेट से आई है, 2 महीने बाद बनारस में गाड़ी लेके आई है। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं NS 400 और यहाँ पे डोमिनार 400 को, कि कौन सी बाइक किसके लिए है और कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। तो फटाफट बात कर लेते हैं और ये भी बात करेंगे कि कौन सी गाड़ी में ज़्यादा फीचर्स हैं, कौन सी गाड़ी आपके लिए बेटर पड़ेगी मेरे हिसाब से, और मैं होता तो भाई मैं क्या चूज़ करता मैं वो भी बताऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बारी बारी, NS 400 से स्टार्ट करते हैं। तो NS 400 में यहाँ पे आपको अच्छा खासा एकदम न्यूली फ्रेश डिज़ाइन मिल जाता है, और जो कि आपका चार्ज शेप में आपको मिल जाता है इसकी DRL, जो कि देखने में भाई काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एंड काफ़ी ब्राइट है। भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लगता है। एंड यहाँ पे इसको बंद कर लिया जाए, बाकी गाड़ी आप फ्रंट से देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और यहाँ पे भाई रिव्यू में आप सारा कुछ देख लेना, साइड बाय साइड मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। इसमें सेम डोमिनार वाला इंजन मिल जाता है, दोनों के इंजन सेम है, इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। और यहाँ पे डिज़ाइन थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा NS 200 से, ये वाला पोर्शन जो है ये थोड़ा अलग मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको बॉक्सी स्विंग आर्म आ जाते हैं, लोहे के एल्युमिनियम वाले नहीं आते हैं जो कि डोमिनार में आते हैं, इसमें नहीं आते हैं। सिंगल साइडेड आपको एक मडगार्ड मिल जाता है, अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है, एग्जॉस्ट भी आपको सुनाएंगे भाई, अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है और डोमिनार में आपको वहाँ पे मिल जाता है डुअल बैरल एग्जॉस्ट। फ्रंट में आपको USD मिल जाते हैं, हबलेस डिस्क आता है डोमिनार से, इसमें चेंज है, 20mm का डोमिनार का भी है, इसमें भी 320mm की डिस्क प्लेट आती है, बट ये हबलेस डिस्क है जिसमें भाई एयर इनटेक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और हल्की रहती है तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया देती है, वहीं डोमिनार थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है ब्रेकिंग में। और यहाँ पे बात हम लोग कर ले हैं NS 400 का, पूरा का पूरा भाई बोल रहे हैं लोग कि NS 200 है, बट ये NS 200 नहीं है। ये NS 200 में ऐसा पैनल नहीं मिलता, इसका पैनल एकदम बिल्कुल नया डिज़ाइन है, बस ये आपको NS 200 वाला मिलता है। बाकी पीछे बात कर ले हम लोग तो एकदम LED ब्लिंकर्स मिल जाते हैं आपको, वही इंडिया ब्लिंकर्स हैं जो आपको डोमिनार में देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे साइड में कुछ आप लुक्स देख सकते हो। और बात कर लें डोमिनार की, तो डोमिनार भी आपको भाई फीचर्स वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, वही 373cc का इंजन सेम, इन दोनों का इंजन सेम है जैसे कि मैंने बता दिया आपको, डुअल चैनल ABS के साथ में आती है, 230mm का डिस्क प्लेट मिल जाता है आपको पीछे, एंड डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिलते हैं जिसके एग्जॉस्ट क्वालिटी भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और भारी भी है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे टूरिंग रेडी आती है भाई कंपनी से, ये फिटेड एकदम टूरिंग रेडी गाड़ी आती है, और यहाँ पे बहुत सारे किट के साथ में आती है ताकि आप बस गाड़ी लो और लद्दाख निकल जाओ, ऐसी एकदम रेडी गाड़ी आती है। और फ्रंट से इसका डिज़ाइन देख लोगे तो ये भाई टूरिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लगती है, एकदम तैयार है टूरिंग करने के लिए। और NS जो है नेकेड स्पोर्ट जिसको बोलते हैं उसको भाई ये एकदम अग्रेसिव लगती है, स्ट्रीट रेस या रेस करने के लिए एकदम वैसी अग्रेसिव लगती है। तो बात कर लेते हैं कि भाई कौन सी आपको लेनी चाहिए, डोमिनार लेनी चाहिए या NS 400 Z लेना चाहिए, Z लेना चाहिए। तो भाई जिनका पर्पस है टूरिंग करना, जो टूरिंग के शौकीन हैं और बहुत दूर दूर लॉन्ग राइड करना चाहते हैं, जिनको बहुत सारा लगेज कैरी करना है, उनके लिए डोमिनार बेस्ट है। और इसकी हैंडलिंग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, तो आपको लॉन्ग राइड पे काफ़ी कंफर्टेबल होकर आप राइड कर पाओगे, और सीट वीट की क्वालिटी भी इसकी ठीक ठाक है, उतनी ज़्यादा बढ़िया कम्फर्टेबल तो नहीं लग रही मुझे। बाकी यहाँ पर आपको एक ग्रैब रेल बड़ा सा मिल जाता है, इस पर आप अपना लगेज वगैरह कैरी कर सकते हो, और यहाँ पर आपको नकल गार्ड मिल जाते हैं, बड़ा सा विंड स्क्रीन जैसा कुछ मिल जाता है, स्क्रीन मिल जाता है, और यहाँ पे मिरर भी अच्छी क्वालिटी का, सेम मिरर इसमें भी आते हैं आपके NS 400 में भी। और रेडिएटर इसके कर्व नहीं मिलते हैं, बड़े हैं बट कर्व भी रेडिएटर नहीं है, बट इसमें आपको कर्व रेडिएटर मिल जाता है। तो जिनको टूरिंग करनी है, मतलब सीधा सीधा सा है कि टूरिंग जिसको करना है उसके लिए बेस्ट गाड़ी है, बट जिसको बहुत कम टूरिंग करनी है और स्ट्रीट में ज़्यादा गाड़ी भगानी है, संडे राइड पे जाना है हम लोगों की तरह और काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव राइड करना है, तो उसके लिए NS 400Z बेटर है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि इन दोनों में प्राइस डिफरेंस भाई कम से कम 50,000 रुपये का है, ये 233 की ऑन रोड आती है और ये 286 की ऑन रोड आती है, और ये भारी भी है, ये 12 किलो डोमिनार से सस्ती भी है, और इसमें फ़ीचर भी आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो आपको चूज़ करना है कि भाई आप कौन सा लोगे, मुझे लेना होगा था तो भाई मैं NS 400Z लेता, क्योंकि कॉम्पैक्ट सी बाइक है, छोटी सी बाइक है, इतनी ज़्यादा बड़ी ब्रॉड नहीं है, क्योंकि इसको सिटी में चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, और ये सिटी में एकदम आराम से ईजिली आप बहुत भयंकर तरीके से राइड कर सकते हो। और
भाई एनएस का पूरा आप देख सकते हो, एकदम एनएस वाला साइज़ है इसका, बहुत बड़ी नहीं है। बट हाँ, इसमें चेसी आपको डोमिनार वाली मिल जाती है और पीछे स्विंग आर्म बॉक्सी में मैंने बताई दिया एडजस्टेबल लीवर मिलते हैं भाई, जिससे आप अपने सिटी राइड या हाईवे राइड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कितने पे रखना है। दूसरा, आपको हज़ार्ड फ्लैशर का ऑप्शन मिल जाता है इसमें, और इसमें आपको एक एकदम न्यूली फ्रेश मीटर मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मीटर है भाई। N160 NS200 से तो बेहतरीन मीटर इसका दिया हुआ है, क्योंकि मुझे फ़ोटो वीडियो में तो उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, बट ये पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है भाई, और ABS के मोड जो हैं वो आपके राइडिंग मोड के हिसाब से कैलिब्रेशन इतना बढ़िया है कि दोनों अपने हिसाब से एडजस्ट होते हैं। और ओवर रिव्यू, और यहाँ पे आपको नया फ्रेश बटन मिल जाता है भाई, जिससे आप पूरा मीटर कंट्रोल कर सकते हो भाई। और यहाँ पे ये आपको मिल जाता है एक बटन स्विच, और ये जो स्विच है भाई एकदम फ्रेश स्विच है, और ये बैकलिड स्विच है सबसे। राइट बाई वायर मिल जाता है आपको, यहाँ पे हज़ार्ड फ्लैशर का एक ऑप्शन मिल जाता है, और मीटर जलते हुए भाई ऐसा कुछ लगता है। तो ये फर्स्ट इन पल्सर है, फर्स्ट इन बजाज है भाई बोल सकते हैं, क्योंकि बजाज की किसी भी बाइक में इतने सारे फीचर, ये फीचर आपको नहीं मिलते। जैसे कि ये स्विच गियर्स एकदम नए हैं, और ये वाला स्विच गियर्स एकदम नया है, लीवर जो है कि एडजस्टेबल एकदम नए हैं, अभी पहली बार आया है बजाज में, और थ्रॉटल जो है राइड बाई वायर आपको पहली बार मिलता है, राइडिंग मोड आपको पहली बार मिलते हैं बजाज में, और जैसा कि USB चार्जिंग पोर्ट तो डोमिनार में भी है, और बाकी पल्सर की सारी सीरीज में आती है ये आपकी USB चार्जिंग, और नया फ्रेश डिज़ाइन मिल जाता है। तो आप कौन सी लेना पसंद करोगे फटाफट कमेंट करके बताओ। और मैं अगर अपना बताऊं तो भाई मुझे डोमिनार से बेहतर ये लगी, और डोमिनार लॉन्ग राइड करना होगा तो भाई कहीं नहीं जाऊंगा, फिर डोमिनार ही लेना है, फिर NS नहीं लेना है। बट मेरा जो राइड थोड़ा अग्रेसिव राइड करता हूं और सिटी में ज़्यादा मैं भगाना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे NS बढ़िया लगी। आज मैं भगाया भी इसको तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल लगी। थोड़ी सी ब्रेकिंग है तो भाई वो अपना अपना है, आप उसको ब्रेकिंग सुधार सकते हो अपने एंड से। और भाई 233,000 में 400cc की बाइक इम्पॉसिबल है मिलना, बट बजाज ने वो करके दिखाया है, और बहुत सारे ब्रांड की बैंड बजा दी है। तो चलो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।